करना चाहूं और संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूं तो मैं कहूंगा कि वो एक बहुत ही साधारण लिबास में, बहुत ही साधारण रहन सहन में एवं बहुत ही साधारण विचारों के असाधारण व्यक्ति थे और शायद यही उनकी खूबी थी। अब थोड़ा सा विस्तार में मैं बताऊं तो बाबूजी ने वकालत का प्रोफेशन चुना लखनऊ यूनिवर्सिटी में। वो छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे और आज़ादी के आंदोलन में बसे फूटना, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी मुखालफत करना, ये सब कार्य रहा जब तक कि मैं पैदा नहीं हुआ था। ये मेरी सुनी सुनाई बात है। उसके बाद वो समय जब से कि मैंने होश संभाला तो मैंने पाया कि वो एक वरिष्ठ एवं मूर्धन्य पत्रकार थे और ब्लिट्ज अखबार उस समय छपा करता था, उसमें कानपुर के स्पेशल करस्पॉन्डेंट रहे हूँ। उसके बाद पाइनियर में भी उन्होंने अखबार रजिसी की और फिर दैनिक जागरण से वह निरंतर जुड़े रहे पूरन चंद गुप्ता जी के समय से। नरेंद्र मोहन गुप्ता जी और योगेंद्र मोहन गुप्ता जी दोनों ही बाबू जी को अपना बड़ा भाई मानते थे और पूरा सम्मान देते थे बाबू जी को। बाबू जी ने प्रेस क्लब, कानपुर प्रेस क्लब की भी स्थापना की, उसके संस्थापकों में से भी बाबू जी का नाम है। इसके बाद वो साहित्यकार भी थे, उनकी रुचि थी, कलम के धनी थे वो और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। जो शुरुआत की दो पुस्तकें उनकी थी कफन चोर और पत्थर और प्रतिमा, तो उसने बहुत नाम कमाया और उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद कई और पुस्तकें उन्होंने लिखी और अंत में एक ग्रंथ जो कि मैंने माननीय सरस्वती जी को भी शायद भेंट किया हुआ है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर, वो ग्रंथ दो वॉल्यूम में है और वो काफ़ी बड़ी उपलब्धि उनकी थी। दो वॉल्यूम में वो ग्रंथ गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर छपा था। उसके बाद वो कानपुर के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में थे और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे कि जयपुरिया हाउस में सीताराम जयपुरिया और डॉक्टर राधाराम जयपुरिया के वकील निरंतर रहे, डॉक्टर गौरहरी सिंघानिया के भी वकील रहे वो, यूपी स्टॉक एक्सचेंज में गुलजारी लाल शर्मा जी से बड़ी अभिनेता थी, वो उनको बड़ा भाई मानते थे, स्टॉक एक्सचेंज की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहे बाबू जी, GSVM मेडिकल कॉलेज की एथिक्स कमेटी में थे, DAV कॉलेज में भी बाबू जी एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे। बबुआ जी से बहुत ही अभिनेता थी, बबुआ जी उनको चाचा करके संबोधित करते थे। तो वकालत में काफ़ी ऊंचे प्रतिमान उन्होंने स्थापित किए। इसके सिवा कानपुर के जितने भी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मुकदमे हुआ करते थे, जैसे कि आरती तेजाब कांड, शिफाली कांड, ग्लूकोज ट्रेजडी जिसमें 63 लोगों की जान चली गई थी, आप जानते हैं इस तरीके के बड़े बड़े मुकदमे हैं। पूरन देवी का मुकदमा भी शुरू में उनके पास था, बाद में सेंगर साहब के पास शिफ्ट हो गया था। तो इस तरीके के बड़े बड़े मुकदमे में वो संलग्न रहते थे और अखबारी सुर्खियों में निरंतर बने रहते थे। बाकी कुछ अगर मुझसे छूट जाए, क्योंकि मुझको आदेशित कल रात को ही किया गया है कि बाबू जी के विषय में भी आप संक्षिप्त परिचय देंगे, अन्यथा मैंने तो अपने कुछ विचार से सजो के रखे थे, विषय के ऊपर रखे थे, तो अगर कुछ छूट जाता है तो वो हमारे बड़े भाई और योगेश श्रीवास्तव जी वो कमियां पूरी कर देंगे। बहरहाल आज का दिन मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वर्गीय एवं श्रद्धेय श्री तिलक जी का योगदान निमित्त रूप आजाद नगर वासियों को समर्पित है। तिलक फाउंडेशन के द्वारा समर्पित जितने भी ट्री गार्ड्स थे वो आजाद पार्क में और अन्यत्र लगे हुए हैं और उनमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय पप्पू पांडे जी और आदरणीय सदा सेठ जी की अनुकंपा से एवं उनकी कृपा से
संपन्न हो पाया है। इस आजादी के महोत्सव के समय ये रोपित वृक्ष आजाद नगर के वायुमंडल को पवित्र करें, उसे सुरभित करें, सुशोभित करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। एवं उनमें पुष्प, उनमें पल्लवित जीवन हम तीनों भाइयों को और तिलक कुटुंब को अपने माता पिता की स्मृति बनाए रखने में सक्षम हो, ऐसी भी मेरी मनोकामना है। मित्रों, आज का विषय है प्रकृति से दूर जाना हमारी पस्ती का कारण है। अब हम प्रकृति से दूर दो तरीके से जा सकते हैं, या तो हम स्वयं प्रकृति से दूर भाग जाएं, और या हम प्रकृति को अपने से दूर भगा दें। हम प्रकृति से दूर स्वयं कैसे भागते हैं, वो तब होता है जबकि हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते। हम असंतुलित जीवन जीते हैं, असंयमित जीवन जीते हैं, हम सभ्यता का जीवन नहीं जीते हैं, हम कृत्रिम साधनों का उपयोग करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे अंदर लोभ मोह काम क्रोध की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में हम प्रकृति को हम खुद प्रकृति से दूर हो जाते हैं, और प्रकृति को अपने से दूर तब करते हैं जबकि हम प्रकृति की क्षति पहुंचाने लगते हैं, प्रदूषण करने लगते हैं। मित्रों, ये प्रकृति हमारा उद्गम है, ठीक उसी प्रकार से जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री है। अब यदि गंगोत्री का ही हम अवमूल्यन शुरू कर दें तो फिर गंगा की पस्ती सुनिश्चित है। ठीक उसी प्रकार अपने उद्गम प्रकृति का हम अगर अवमूल्यन शुरू करें तो मानव की पस्ती भी सुनिश्चित है। हम लोग दो तरीके की प्रकृति होती है। जब ये बातचीत है कि प्रकृति से दूर जाना, तो दूर के बारे में मैंने दो बातें आपके समक्ष रखी कि या तो हम दूर जा सकते हैं या प्रकृति को अपने से दूर भेज सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी दो तरीके की होती है, एक बाह्य प्रकृति और एक आंतरिक प्रकृति, और दोनों का प्रदूषण बहुत खराब है। जो बाह्य प्रकृति है उसको कभी कभी हम लोग पर्यावरण भी कहते हैं, जिसका कि संधि विच्छेद होता है पर्या प्लस वरण, यानी कि पर्या प्लस आवरण। और पर्या का मतलब होता है परि, तो परि प्लस आवरण, परि का मतलब परिधि का मतलब चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो आवरण है उसको हम प्रकृति कहते हैं। और जब जब इस आवरण को क्षति पहुंचती है तो मानव असुरक्षित हो जाता है। अब जब कभी हम इस प्रकृति को स्वयं ही क्षति पहुंचाते हैं तो उस प्रकार के कालिदास दिखाई पड़ते हैं जो कि उस गगाल को काट रहे थे, जिस गगाल के ऊपर के वो स्वयं बैठे हुए थे। और जब कभी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो हम उन सृजनात्मक कालिदास की तरह नजर आते हैं जिन्होंने कि विज्ञान शकुंतला एवं मेघदूत जैसी पुस्तकों का सृजन किया था। अब हम किस प्रकार के कालिदास बनना चाहते हैं ये तो हमारे अपना चुनाव है कि हम कैसे कालिदास बने। हमारी जनसंख्या की अबाध एवं निर्बाध वृद्धि एवं हमारे उससे भी ज़्यादा हमारे इच्छाओं की और हमारे मनोकामनाओं का विस्फोट, इन दोनों का भार वहन करने के लिए प्रकृति का दोहन शुरू हो गया। और ये प्रकृति का दोहन एक ऐसी विकास लीला के थ्रू हुआ जिसके लिए गर्भ में विनाश का तांडव चल रहा है। इस प्रकार का जहरीला विकास यात्रा में सबसे पहले पृथ्वी का विकास किया गया, और जंगल कटे, पेड़ कटे, पहाड़ों को तोड़ा गया, परंतु ये विकास की लीला यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद हमने वायुमंडल को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। कहानी यहाँ भी नहीं खत्म हुई, अब हम उपग्रहों के मलबे से अंतरिक्ष का भी प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जलवायु का भी प्रदूषण हुआ। मैं उन कारकों का उल्लेख नहीं करना चाहता
जिसकी वजह से कि प्रदूषण बढ़ता है या घटता है, क्योंकि वो सब आपके संज्ञान में है और उन्हें दोहराने से आपका समय विनष्ट हो जाएगा। इस सारे प्रदूषण के पीछे, अब क्योंकि मैं बाबूजी के साथ मैंने वकालत भी की है और कुछ भाषा भी उसी तरीके की मेरी हो गई, तो मैं अभियुक्त के टर्म से बातचीत करता हूँ कि उसका तनहा, इस प्रदूषण का तनहा और सिर्फ एक अभियुक्त है और वो है मानव। और जब उसे लॉकडाउन में नज़रबंद कर दिया गया तो प्रदूषण स्वतः ही कम होने लग गया। इसके सिवा जीव जंतु और पौधे ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते हैं।